हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने ये देखा था बाउचर में परचेज और सेल की एंट्री कैसे करते हैं विद जीएसटी। आज का हमारा टॉपिक है आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बाउचर पर परचेज, सेल, पेमेंट और शिफ्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले बाउचर परचेज की एंट्री के लिए F9 प्रेस करेंगे। परचेज में सबसे पहले इनवॉइस नंबर 100, डेट हमारा पार्टी अकाउंट है, ड्रेस कोड हमारा सप्लायर है, कंट्रोल ए से इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट कर लिया। ड्रेस से परचेज करेंगे हम 100 पीस, 200 रेट, फ्रॉक 100, 300 रेट, उसके बाद लैगिंग 100 पीस, 200 रेट, उसके बाद ब्लेजर परचेज करेंगे 100, 400 रेट, जीएसटी कैलकुलेट करेंगे CGST, SGST, सेम स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो CGST और SGST ही लगेगा। इसको करेंगे एक्सेप्ट। उसके बाद हम करेंगे सेल। यह हमारा बिल है, ओल्ट प्लस जेड से इसको जूम करके देखेंगे। जीएसटी रेट ड्रेस पे 12%, फ्रॉक पे 5%, लैगिंग पे भी 5%, ब्लेजर 12%, CGST और SGST कैलकुलेट हुआ है। स्केप करके बाहर आएंगे। उसके बाद हम करेंगे सेल की एंट्री F8। सेल की एंट्री पार्टी अकाउंट नेम है ऑल इन वन, हमारा कस्टमर है। लैगिंग सेल करेंगे 50 पीस, 300 रेट, ब्लेजर 30 पीस, 500 रेट, उसके बाद फ्रॉक सेल करेंगे 50 पीस, 400 रेट, उसके बाद ड्रेस सेल करेंगे 50 पीस ड्रेस के लिए है 600 रेट, जीएसटी कैलकुलेट करेंगे SGST और CGST। सेल भी हम सेम स्टेट में कर रहे हैं, CGST, इसको करेंगे एक्सेप्ट। बिल ओल्ड प्लस जेड से जूम करके देखेंगे। SGST कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद हम करेंगे पेमेंट, जिससे हमने सामान परचेज किया था। पेमेंट के लिए F5, हम ड्रेस कोड को पेमेंट करेंगे। ₹119,700 हमने पेमेंट करनी है, तो पहले हम 1,00,000 कर देते हैं। 1,00,000 पेमेंट किया हमने, एक्सेप्ट करेंगे इसको। उसके बाद हम कस्टमर से पेमेंट लेंगे, उसके लिए रिसिप्ट में एंट्री करेंगे F6। हमारा ऑल इन वन हमारा कस्टमर है, ₹87,150 हमें इससे लेने हैं, तो हम इससे ₹80,000 ले लेते हैं। कैश लिया है हमने, कंट्रोल ए, इसको करेंगे हम एक्सेप्ट। उसके बाद हम देखेंगे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। स्केप करके बाहर निकलेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग। हम पहले पेबल देखेंगे। पेमेंट हमने 1,00,000 की है,
19,700 हमें पेमेंट आनी है, तो ये हमारी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है पेवल की। उसके बाद हम देखेंगे रिसीव, 80,000 हमें पेमेंट आ चुकी है, 7,150 रुपये अभी भी बाकी है, तो ये रिसीव की आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक पर। थैंक यू।